हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम 500 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे करने के लिए। यह क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं और लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है और लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंखलायत अधिगम का, सेकेंड है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, थर्ड है प्रत्य अधिगम का, फोर्थ है ये सभी। यह क्वेश्चंस आरटेट 2011 में आया हुआ है, क्वेश्चन है जो कि राजस्थान का है, जो कि रीट हो गया। तो क्वेश्चन बताइए, आंसर दीजिए। यहाँ पे 5 सेकंड का समय आपके पास में, तो यहाँ पे आंसर यह करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट हो जाएगा श्रृंखलायत अधिगम का, फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है संचार के साधन, सेकेंड है समवयस्क समूह, थर्ड है अध्यापक, फोर्थ है परिपक्वता एवं आयु। तो क्वेश्चंस आरटेट 2011 में हुए क्वेश्चंस है ये, आंसर दीजिए 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो आंसर करेक्ट होगा इसका बढ़िया हमारा परिपक्वता एवं आयु, आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निरोगता का लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना, सेकेंड है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वस्त होना, थर्ड है अवधान संबंधी बाधा या विकार, फोर्थ है अभिप्रेरणा का अभाव। क्वेश्चन आरटेट 2011 में आया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम निरोगता का लक्षण है। निरोगता का मतलब होता है कि सीखने में अक्षम बच्चा। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा अवधान संबंधी बाधा या विकार, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, सेकंड है केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को सीखते हैं या लिखते सीखते हैं, थर्ड है केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, फोर्थ है सभी छात्रों के लिए। क्वेश्चन पी टेट 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर यह हमारा जाएगा फोर्थ, रचनात्मक लेख नियोजन का होना चाहिए सभी छात्रों के लिए, आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सेकेंड है प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, सेकेंड है उत्सुकता और इच्छा शक्ति, फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन पीटेट में आया हुआ है 2011 में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को अभिप्रेरित या प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा उपलब्धि का अभिप्रेरित स्तर, उत्सुकता और सीखने की इच्छा। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग ये सभी, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलर ने, सेकंड है टॉलमैन ने, थर्ड है वुडवर्थ ने, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत या प्रतिपादन टॉलमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यसन, सेकंड है अनुकूलन, थर्ड है निष्पादन, फोर्थ है मूल प्रवृत्ति। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा निष्पादन, आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था, सेकंड है बाल्यावस्था,
थर्ड है किशोरावस्था, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा करके सीखना शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ये सभी अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के सीखने में परिवार का योगदान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। सेकंड है परिवार में ही बच्चा आधारभूत जानकारी पाता है। थर्ड है परिवार का वातावरण अनुशासन परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है। फोर्थ है परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। तो क्वेश्चन पूछा कि बच्चे के सीखने में परिवार का योगदान किस प्रकार का है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड, परिवार का वातावरण अनुशासन परिवेश और देखभाल महत्वपूर्ण है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा, टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड है मूल प्रवृत्ति, थर्ड है अनुकरण, फोर्थ है अनुबंधन, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह व्यवहार या कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं अनुकरण, तो आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में अस्वस्थता की आदत के विकास का सर्वोच्चतम तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त स्थान, सेकंड है छात्रों को पढ़ाने को कहना, थोड़ा छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, फोर्थ है छात्रों में बिल्कुल बात न करना, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय है यहाँ पे। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है रटने का नियम, सेकंड है तत्परता का नियम, थर्ड है बहुप्रयुक्त क्रिया का नियम, फोर्थ है व्यवस्थित प्रक्रिया का नियम, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे के सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा तत्परता का नियम, क्योंकि बच्चा सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए तो ये बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धि में असफल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता में कमी के कारण, सेकंड है अभ्यास में कमी के कारण, थर्ड है पारिवारिक कलेश के कारण, फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धि में असफल होते हैं, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तत्परता में कमी के कारण, अभ्यास में कमी के कारण, पारिवारिक कलेश के कारण, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन के सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है हल, थर्ड है हेगर्टी, फोर्थ है पेवलोव, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय इसके अकॉर्डिंग, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबल का सिद्धांत दिया है हल के द्वारा, तो आंसर थर्ड हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा सेकंड हो जाएगा। कॉलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, सेकंड है पुनर्वलन का सिद्धांत, थर्ड है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, फोर्थ है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा है कि कॉलर का सिद्धांत किस नए नाम से या किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कॉलर का सिद्धांत अधिगम, सॉरी माफ कीजिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर का अधिगम सिद्धांत से नाम से जाना जाता है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। क्वेश्चन नहीं में पूछा गया है, तो आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देना है हमें यहाँ पे, तो तीन होंगे यहाँ पे और एक
नहीं होगा। तो ऑप्शन देखेंगे परिणाम का नियम, सेकंड है सदृढ़ स्थिति का, माफ कीजिए सदृढ़ीकरण का नियम, थोड़े अभ्यास का नियम, फोर्थ है तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है इनमें से? तो आंसर दें यहाँ पे, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सेकंड, सदृश्यकरण का नियम थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा कक्ष में सीखने या अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सेकंड है उपस्थिति का नियम, थर्ड है रटने का नियम, फोर्थ है पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम उपस्थिति का नियम है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्राइड ने विकसित किया है, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का नियम, सेकंड है गुरुत्वाकर्षण का नियम, थर्ड है भूल एवं प्रयास का नियम, फोर्थ है मनोविश्लेषण बाद। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा, फ्राइड ने मनोविश्लेषण बाद विकसित किया है। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित एवं विज्ञान सीखने में प्राय प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, सेकंड है पुनरावलन का सिद्धांत, थर्ड है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, फोर्थ है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, गणित और विज्ञान सीखने का प्रयोग होता है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सेकंड है आत्मसात का नियम, थर्ड है मनोवृत्ति का नियम, फोर्थ है सहचार का नियम। तो आंसर दीजिए यहाँ पे 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम प्रभाव का नियम दिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है रटने का नियम, सेकंड है व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, थर्ड है अवांछित विश्राम, फोर्थ है हस्तलेखन। तो आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड समय है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ हस्तलेखन, कक्षा कक्ष वातावरण सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। टिक कर देंगे यहां पे, माफ कीजिएगा ये सब जगह हो गया, टिक करेंगे यहां पे कि वो सारा सब पे हो गया था, वो आंसर फोर्थ यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूझ अक्षमा ज्ञान है यह लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलर ने, सेकंड है थॉर्नडाइक ने, थर्ड है पावलोव ने, फोर्थ है स्किनर ने। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फर्स्ट ऑप्शन है क्रूस, सेकंड है कॉलर, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है पावलोव। तो क्वेश्चन पूछा गया कि गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत कौन है, तो आंसर दीजिए यहाँ पे, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर जी, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेस्टाल्टवादी थे। फर्स्ट ऑप्शन है रूसी, सेकेंड है फ्रांसीसी, थर्ड है जर्मन, फोर्थ है चीनी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गेस्टाल्टवादी कहाँ के थे, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी जर्मन थे या जर्मनी के थे, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवीन ज्ञान और
नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव ने, सेकंड है क्रेनवैक ने, थर्ड है वुडवर्थ ने, फोर्थ है स्किनर ने। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा, थर्ड वुडवर्थ ने नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को सीखने या प्राप्त करने की प्रतिक्रिया की सीखने की प्रक्रिया का कथन दिया है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जड़ का सिद्धांत, सेकंड है बागगाही का सिद्धांत, थर्ड है थोंडाइक का सिद्धांत, फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन पूछा गया कि सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आते हैं, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो सीखने के सिद्धांत में जड़ का सिद्धांत, बागगाही का सिद्धांत, थोंडाइक का सिद्धांत, आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन विधि का, सेकंड है प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का, थर्ड है वाद विवाद विधि का, फोर्थ है इन सभी का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा अवलोकन विधि का, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का, फोर्थ है वाद विवाद विधि का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इन सभी का, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोंडाइक मनोवैज्ञानिक थे, फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के, सेकंड है अमेरिका के, थर्ड है भारत के, फोर्थ है ब्रिटेन के। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि थोंडाइक मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, थोंडाइक अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा देने की, सेकंड है अभ्यास करने की, थर्ड है क्रिया और अनुभव की, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा प्रेरणा देने की, अभ्यास करने की, क्रिया और अनुभव की। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट ये सभी, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के लिए विशेष सामग्री का प्रयोग होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है कठिन से सरल, सेकंड है कठिन, थर्ड है सरल से कठिन, फोर्थ है सरल। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने के लिए विशेष सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय यहाँ पे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सरल से कठिन की ओर, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकंड है परिपक्वता, थर्ड है उचित वातावरण, फोर्थ है ये सभी। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रेरणा, परिपक्वता, उचित वातावरण, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ये सभी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।